अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन भारतवर्ष के वैद्य समाज की प्रतिनिधि संस्था है, जिसकी स्थापना 1907 में नासिक में हुई थी। आयुर्वेद के माध्यम से सारे विश्व के नागरिकों को स्वस्थ रखने और रोग पीड़ित मानवता को आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से रोग मुक्त करने के लिए प्रयत्न करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस कार्य के लिए वैद्यों को संगठित करना, आयुर्वेद की शिक्षा का विकास करना और आयुर्वेद में अनुसंधान को बढ़ावा देने का कार्य महासम्मेलन निरंतर करता रहा है। आयुर्वेद विश्व को भारत की एक महानतम देन है, ये कहना है वैद्य एसके मिश्रा का। उन्होंने बताया कि ये दुख की बात है कि इसके विकास के लिए जितना प्रयास अपेक्षित था उसके अत्यंत छोटे अंश की पूर्ति सरकार के माध्यम से हो रही है। यहाँ चंडीगढ़ में चंडीगढ़ के जो राज्य वैद्य सम्मेलन है उसके आमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। इस मीटिंग में विशेष रूप से पंजाब और चंडीगढ़ से संबंधित जो आयुर्वेद की समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श किया जाएगा और उन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम कैसे, क्या और कैसे उठाए जा सकते हैं इसके संबंध में भी निर्णय लिए जाएंगे। मुख्य रूप से पंजाब में आयुर्वेद औषधालयों की स्थिति अच्छी नहीं है और जितने औषधालय हैं उतने भी मेडिकल ऑफिसर्स नहीं हैं। आयुर्वेद महाविद्यालयों का विकास करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना, दुर्लभ वनस्पतियों की खेती, उत्तम औषधि निर्माण और इनका मानकीकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में वैद्यों की नियुक्ति आदि प्राथमिक आवश्यकताओं पर इस सभा में विचार विमर्श किया गया। आयुर्वेद का फिजिशियन इवन दो दो और तीन तीन औषधालयों में जाके देखता है, औषधियों की कमी है तो इसे कैसे दूर किया जाए और भी मेडिकल ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट हो इसके संबंध में विचार विमर्श किया जाएगा। फिर पंजाब गवर्नमेंट का पटियाला में एक आयुर्वेद महाविद्यालय है, उन आयुर्वेद महाविद्यालय में अध्यापकों की बड़ी कमी है, उपकरणों की कमी है, जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, जो न्यूनतम मानक होना चाहिए वह उपलब्ध नहीं है और इसीलिए उस पटियाला के सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय में दो सालों से एडमिशन का परमिशन भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद ने नहीं दिया है। तो वहाँ अध्यापकों की कमी को दूर किया जाए, जो मिनिमम मानक है उन्हें पूरा किया जाए। आज भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में महासम्मेलन की 21 प्रांतीय शाखाएं विधिवत स्थापित हैं। प्रत्येक राज्य शाखा के अंतर्गत जनपद सम्मेलन, तहसील सभा एवं नगर वैद्य सभा आदि भी संचालित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।